Hayden being on the law, I provide a lien. They approve the lien for those, no law, and the RA, the high, and the state. In the matter of the building, they will be upon the high. The law is in the law. To the right being of his life. The law is in the law. The law is in the law. The lady in black is good there. The black is fine here. But the red black is the great one. And the red black is the higher. The shiny blue one is up there. Many, in five letters, would you have it there? Those who like to work in five letters. But that hour is not. We need to be here, we need to school there. Then give out to someone who has an idea for that. इसके बाद अंदाज़ कर सकती है कोई निशानी में कोई आया तो मुझे काम रहता है जिसके जरिए सामने हमें चीज़ मिला थी अंदाज़ कर सकते हैं तो आपको दर्ज कर से क्या इलाका है प्रेम निर्माण का मंदिर रसूल हमने आपको मंदिर बनाया है आपको आदर इलाके से कराने का मतलब बना कर दिया है यानी आप इसको आदर इलाके से कराएं और हमने अपना फर्नीचर उपयोग करते हुए हर फॉर्म के लिए और हर फर्नीचर हर करते लिए कोई अपनी रहनुमा और उनको निर्णय को मैं पर दे दिया है यहाँ पर बहुत ही सजीला बहुत जो है आप सामना सुनना है तो ये काफी क्या कह रहे हैं मुझे क्या कह रहे हैं कि रसूल भी ये दलील नहीं है ये पैगंबर नहीं है उसकी दलील क्या कहते हैं इनके बाद में कोई नहीं है इनके बाद में दलील नहीं है क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है इनके पास कोई दलील नहीं है इनके पास कोई मुर्दा नहीं बात की मैं सारी बातें है कि ये अल्लाह के बेटे है ये बेन बुलिया ये और क्या है तो आप सवाल कि ये रसूल किसके दावे के रद्द में आप ज्यादा से ज्यादा दलील के दावा चुका होता है ज्यादा से ज्यादा मुझे कृषि की थी ताकि मुसलमान वाला साथ में था ज्यादा से ज्यादा साथ की रेशम लाख का कल्याण में आए थे मुझे ताकि की बात वाला साथ में चले तीन ताकि मंची की बात ताकि ये नहीं फरमाया कि ये आपको झटका रहे तो आप ज्यादा से ज्यादा दलील में कीजिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ की निशान कर दे कीजिए ज्यादा से ज्यादा मुझे पेश कीजिए तो वो क्या कहते हैं कि वहां कोई मौजूदा नहीं है इनके पास कोई सबूत नहीं है कोई दलील नहीं है तो दलील कैसे मान ले तो रसूल कैसे मान ले बरदान का तो यही कहा है बल्कि क्या कहा है सर इनमा अंता मुनजिर आप अजाब इलाही से डराने वाले हैं यानी मतलब बिना इनको अजाब इलाही से डराइए इनको अल्लाह के अजाब से डराइए और सवाल ही होता है कि वो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई दलील नहीं कोई मुजजा नहीं अल्लाह के सामने जाएगा ज्यादा मुजजा दिखाएंगे तो जानते हैं ये क्यों कहा जा रहा है ये जो कहा जा रहा है कि इनको अजाब इलाही ये कह रहे कोई मुजजा नहीं कोई निशानी नहीं कोई दलील नहीं अल्लाह का इनको अजाब इलाही से लड़ाइए इनको अल्लाह के अजाब से लड़ाइए इसका क्या मतलब इसके जो रवान तहरीर फरमाया है इसका मतलब ये है कि जो इनकार कर रहे थे जो इनकार कर रहे थे उनको मालूम था कि रसूल है उनको मालूम था कि नबी है उनको मालूम था कि पैगंबर है हर तरबी में इंकार हो रहा था बड़ा हर मुझे एक बार कह रहे थे कि तो जादूगर है कि तो काहिन है कभी उसको शहर कह रहे थे कभी जादू कह रहे थे तो तरह तरह से बहाने थे वो इंकार कर रहे थे एक मिसाल मौजूद है तारीख में आप किताब में पेश करने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो दुश्मन था कौन था अबू जहल दुश्मन था वो रसूल की खिदमत में आएंगे मुसलमान के रसूल अगर आप कोई मोजिजा दिखाते मेरी फरमाइश पर मेरे कहने पर अगर आप कोई मोजिजा दिखाते तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा मैं मोमिन हो जाऊंगा मैं आप पर रसूल तस्लीम करूंगा रसूल फरमाते हैं एक लाख मोजिजे तुझे दिखाए जाए मगर तू मुसलमान नहीं होगा मुझे मालूम है कि तू मुसलमान नहीं हो सकता लाख मोजिजे तुझे सामने दिखाए जाए नहीं नहीं हो सकता मेरी फरमाइश अगर आप पूरी करते तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा क्या फरमाइश है
चांद आपके सारे में दो टुकड़े हो जाए, मैं मानूंगा आपका नहीं है, मानूंगा फरमाया चांद दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा इधर आया एक टुकड़ा इधर आया। अब वो कहता है मलून कि दोबारा इन टुकड़ों को जोड़ देंगे, दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, चार जोड़ टुकड़े एक हुआ। ये कहता हुआ भागा, अरे मोहम्मद का जादू तो चांद पर भी चले गया। दिखाते रहेंगे करते रहेंगे, अल्लाह का मतलब ये था कि आप वो है इनका कदम कदम मजेदार है, आप तो वो है इनका अमल अमल मजेदार है, आप तो वो है कि आपके जिंदगी का हर रुख मजेदार है, आपके हयात का हर पहलू मजेदार है। पहले के रसूल को
हर प्रगंडे का तोड़ और हर हर ताली का तोड़ पहले के बराबर कर लिया, शायद मशहूर करते थे ताकि संजीदा दरवाजा हो जाए। इसीलिए सरदार आलम अबू तालिब को रसूल के साथ पहले ही पैक कर दिया गया कि अब सरदार आलम से ज्यादा संजीदा कौन शख्सियत हो सकती है। तो रसूल के साथ साथ है जादूगर और काहिन मशहूर करते थे ताकि खवातीन करीब ना आने पाए। इसीलिए मलीक अरब जनाब खदीजा को ताकि इस साजिश का तोड़ पहले से मौजूद रहे और मजनून और दीवाना मशहूर करते थे बच्चे करीब ना आने पाए। इसीलिए 10 बरस के एक बच्चे को रसूल के साथ पहले ही कोई मामूली इंसान नहीं है, ये नबी है।
ये नहीं कहा कि 40 वर्ष जमीन उपज में रहेगी, ये नहीं कहा कि 40 वर्ष के जमीन नबी बनेंगे, रिसालत मिलेगी, कई नबी है तो आप मुसलमानों में और अबू तालिब में बुनियादी फर्क यही है, यही है कि 40 वर्ष के सिर में जब रसूल ऐलान नबूवत करेंगे तो लोग कलिमा पढ़कर मुसलमान होंगे, और अबू तालिब वो मुसलमान है तो ऐलान नबूवत से पहले मजबूर है तो अब साथ साथ, और जब तिजारत करते हैं तो बलक
आपदा चलती है, आकर खदीजा ने अपने इजाज के लिए इनको मुंतखब किया था एक सरदार के तौर पर। बुनियाद क्या है, इस अकीदे की बिलाज की बुनियाद क्या है,
भी सुनेंगे कि रसूल हमारे ही कहते थे, तो जब हम नहीं जा सकते तो वो भी नहीं जा रहे थे। यही बुनियाद है अकीदे की, जब हम नहीं जा सकते तो वो भी नहीं जा सकते। यदि हमने आपके अकीदे को मान लिया कि हम नहीं जा सकते तो वो भी नहीं जा सकते, तो कुरान कब कह रहा कि खुद गए थे? अरे तवज्जो है, कुरान कब कह रहे खुद गए थे? सुभान अल्लज़ी असरा बिअम्रिही, पाक है परवरदिगार जो अपने बंदे को ले के जा रहा है। और तो ईमान नहीं है तो क्या अल्लाह की कुदरत पर भी होता नहीं है? लेकिन
परिंदे तो धूप रोकते थे, तभी तो धूप रोकते थे, तभी तो धूप रोकते थे। ये सुलेमान का नंबर है। मगर रसूलुल्लाह का पूछना क्या था? अब सारा फिक्र रहता था, रहमतुल आलमीन को गवारा नहीं था कि मेरी वजह से किसी परिंदे को भी अजियत पहुंचे। अब सारा फिक्र रहता था, अब कोई जान नहीं, रूह नहीं, कोई अजियत का एहसास नहीं। कुछ थोड़ा सा इल्म दे दिया था, वो वहां भाग गया उनके सवा,
वापस भी आ गया और पलक झपकने भी नहीं पाई तो जिसके पास किताब के थोड़े में से भी इतना थोड़ा तेल मारता है वो पलक झपकते हुए उनके सभा से तक ले आता है और जिसके पल पर पूरी किताब नाजिल हो रही है आया कि क्या
हाजिमति से कूफा की तरह तेरे मौला ने इन बात ने देखा फिर तोड़ा क्या कहना रसूलुल्लाह का क्या खाना वाला मेरा में गुजरे उसके बाद जब वापस आए तो जंजीर हिल रही थी बिस्तर गर्म था वुजू का पानी जमीन पे नहीं पहुंचा था कितने वहां भारी जवाब दी क्या यारी सच कहा छोड़कर जा रहा हूँ ये सारे तारीफ नहीं छोड़कर जा रहा हूँ
करना है, एक साफ कह बेचैन हो गए अपनी नकली बच्ची सब दुश्मन का मिलता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसी बात करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती, एक मेहरबानी कर दीजिए, बस एक मेहरबानी कर दीजिए। क्या बात है? और देखिए लश्कर है, इसके पास जाएंगे और देखिए मैं साहब ये रसूल हूँ, मेरी बात मान लो, ये जो कटे हुए सर हैं इनको आगे करवा दीजिए और पेपर पर बीबी और पीछे करवा दीजिए। कभी भी आप लोग को चाहती है आप देख भी रहे कि मेरा पापा तिलावत कर रहा है, जब ये तिलावत करते हुए सब देखेंगे तो सारा मलबा मेरे पापा की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, हमारी पेपर नहीं छू जाएंगे, कोई हमें भी देखेगा नहीं, सब सर की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। कैसे सर इंतजामी के पास पहुंचा, उससे कहा मैं साहब ये रसूल हूं, तुम मेरी बात मान लो, ये कटे में सर आगे कर दो और बीबियों को पीछे कर दो। उस पर उन्होंने इंकार किया कि नहीं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, कहते हैं मेरे पास 4,000 दिरहम थे जो मैंने सफर खर्च के लिए रखे थे, मैंने उसको 4,000 दिरहम दिए, कहीं दिरहम ले लो और मेरी बात मान लो। वो मरुमुल्ला ने इंकार किया, कहा जाओ तेरे तुम्हारी बात मानने का उत्तर हो गया कि सारे सर आगे कर दिए जाए, बीबियों को पीछे कर दिए जाए। ये कहते हैं कि मैं 7-7 सालों में चल रहा था, मैंने देखा एक कोठे पर कुछ मनहूर औरतें मौजूद थी, उसमें एक औरत कान का चम्मच पलवा रहा, उसने की पेशानी पर पड़ा, पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा। ये कहते हैं मैंने बददुआ के लिए हाथ मदद किए, पालने वाले इन मौलाना और इन औरतों को जो मनुना आते हैं इनको जहन्नम हासिल कर दीजिए। कहते हैं उसकी मच्छर गिरती है वो सारी औरतें जहन्नम हासिल हो जाती हैं। ये मैं सारे साथी से कहूंगा कि तुमसे एक पत्थर नहीं देखा गया, करबला के कूबे कूबे में शाम तेरे मुंह पे कुसम देख रही, उतर पत्थर मारे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने बात कहती है कि इसी आलम में मैं दो जुमले और कहना चाहता हूँ, इसी आलम में क्योंकि हमारा वो है जब नंदी की बच्ची की तस्करा होता है, मैं चाहता हूँ 2 मिनट आपको और ले लूँ कि जब दरबार में पहुंचे हैं तो यजीद की नजर सकीना पर पहुंच जाती है। सकीना को देखते ही पूछता है शिव किसकी बच्ची है, नंगी बच्चियां जो होती है उनकी आदत ही होती है कि हमेशा बाप से शिकायत करती है, इनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां हैं वो मेरे बाप को बेहतर तरीके से समझेंगे, हमेशा नंगी बच्चियां बाप से शिकायत करती है। शाम होने लगती है बच्ची की नजर दरवाजे पर रहती है कि बाप आने वाले हैं, अब बाप आने वाले हैं, बाप करके अंदर दाखिल होता है, नंदी की बच्ची दौड़ कर पैर से लिपट जाती है, फिर बड़ी शिकायत कहती है पापा पुराने मुझे मारा था, नंदी बच्चियों की आदत की होती बाप से शिकायत करते हैं, नंदी जी की तीन चार बरस का दिन हमको यही अंदाज मिल रहा है कि जब तक हुसैन मिलना है कर दो, कोई दलील पेश कर दो,
नन्ही बच्ची कहती है क्या दलील चाहता है, क्या तुमको चाहता है, क्या मैं उस वक्त मानूंगा कि होता है तुम्हें बहुत चाहते थे कि इतना तुम्हारी गोद में आ जाए, बच्चियां बाप का इंतजार करती है कि पापा आएंगे तो शिकायत होगी, तमाशे घर शिकायत रहेगी, कामयाब घर शिकायत रहेगी, बंदे चीरे की शिकायत रहेगी, बाप का इंतजार रहता है, अंदर से आप वो पता नहीं होता है, बच्ची ने मुंह बाबू रह गया, हे पापा पूरे रात तो शिवले तमाशे हो रहे हैं, हे पापा पूरे रात तो तालियां रे तालियां, हे पापा आप जो बंदे पहना है वल्लाह बोले तमाशे I don't know.